नाम है सुनीता। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चार तरह की समर ड्रिंक्स। अभी गर्मियां चल रही हैं और समर ड्रिंक्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है एक सर्विंग ग्लास, नींबू, पुदीना, चीनी, जीरा, ये हमने रोस्टेड जीरा लिया है, काला नमक और सोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर लिए 2 टेबलस्पून चीनी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे मिक्स करके चीनी को हम डिसॉल्व कर लेंगे। तो देखिए शुगर हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम वर्जिन मोजिटो बना लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है सर्विंग ग्लास। इसमें हम डाल देंगे नींबू के और ये पुदीना। अब हम इसे क्रश कर लेंगे। हम इन्हें ऐसे क्रश करना है ताकि नींबू का और पुदीने का जो रस है वो अच्छी तरीके से इसमें निकल जाए। तो अब इसमें आइस क्यूब डाल लेंगे। और अब इसके ऊपर से शुगर सिरप डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल शुगर सिरप इसमें डाला है। तो अब इसमें सोडा डाल लेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी है हमारा वर्जिन मोजिटो और ये बहुत ही आसानी से बन गया है। बाहर आप जाएंगे तो ये बहुत महंगे में मिलता है, बट घर में हमने इसे आसानी से बना लिया है। तो अब हम इसके साइड में एक नींबू लगा देंगे जिससे कि प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी लगेगी। तो अब हम बना लेंगे शिकंजी। उसके लिए सबसे पहले हमने जार लिया है, उसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स, ये नींबू का रस, हमने एक नींबू का रस निकाला था। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और अब हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास पानी और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहां पर हमने एक सर्विंग ग्लास ले लिया है, इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। और अगर आप थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो इसमें ये नींबू और ये पुदीना डाल दें। और अब हम इसमें ये शिकंजी डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में पुदीना पत्ती इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा। तो देखिए रेडी हमारी शिकंजी। तो जो थर्ड ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं वो है लेमनेड। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पुदीना, नींबू का रस, शुगर सिरप, सॉल्ट और सोडा। तो सबसे पहले हम पुदीने को क्रश कर लेंगे। तो पुदीने को हमने क्रश कर लिया है।
तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सर्विंग ग्लास, इसमें ये आइस क्यूब डाल देंगे। तो अब इसमें पुदीने का रस डाल देंगे, इसे मैंने छान लिया था। और अब ये नींबू का रस, अब इसमें शुगर सिरप डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर सिरप डाली है और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो अब डेकोरेशन के लिए पुदीने की पत्ती इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें सोडा डाल देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए रेडी है लेमनेड जूस और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो जो फोर्थ ड्रिंक है वो है रू अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा गर्मियों में बहुत पी जाती है और ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रू अफ़ज़ा कैसे बनाएं। उसके लिए हमने यहाँ पर ये लिया है शुगर सिरप, 1 नींबू का रस, रू अफ़ज़ा और ये सर्विंग ग्लास। तो यहाँ पर हमने लिया है सर्विंग ग्लास, उसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर हमने एकदम चिल्ड पानी लिया है, इसमें डाल देंगे शुगर सिरप। तो मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर सिरप डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो अब इसमें डाल देंगे रू अफ़ज़ा। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो रू अफ़ज़ा को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब डेकोरेशन के लिए एक लेमन इस पे लगा देंगे। तो देखिए रेडी है हमारी रिफ्रेशिंग रू अफ़ज़ा ड्रिंक। आप इन चारों ड्रिंक्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस समर ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराएंगे आपको। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।